गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में ही हम लोग देखेंगे टैली में कैसे हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया होगा कैसे हम लोग अकाउंटिंग में मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, कैसे उसको जनरलाइज करते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको थियोरेटिकली क्लास में बताया गया होगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, एक्चुअली टैली में हम लोग काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं और उसमें सबसे पहले एक कंपनी बनाते हैं। और जब हम कंपनी बना लेते हैं तो उसके बाद का आगे का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग करते हैं। चलो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप टैली को ओपन कर लोगे। देखो मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। टैली प्राइम ओपन हो रहा है। देखो जैसे ही आप टैली प्राइम ओपन करोगे कुछ इस टाइप से लाइसेंस का विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा। क्योंकि ये जो है लाइसेंस वर्जन नहीं है, मैंने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया है इसलिए वो इस टाइप का दिखा रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन होगा तो फिर इस टाइप का आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे विंडो नहीं दिखेगा। मैंने इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर ऑप्शंस तुमको दिखेगा, इसमें आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर दोगे। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। लिखा हुआ रहेगा गेटवे ऑफ टैली का एक विंडो है, ये सारा इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है। और लेफ्ट साइड देखोगे कि यहाँ पे एक इस टाइप का करेंट पीरियड है, करेंट डेट है, तो इससे मतलब नहीं है। आप टैली ओपन करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा। कभी कभी इससे डिफरेंट भी तुमको मिलेगा। देखो टैली में जैसे ही हम लोग इन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाने के बाद ही उसमें जो भी लेजर्स या जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी तुम वर्क करना चाहते हो करोगे। बिना कंपनी बनाए हुए आप इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा इंटरनल एक्टिविटी आप इसमें नहीं करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप अल्टर F3 प्रेस करोगे शॉर्टकट तो कंपनी का क्रिएशन का इस टाइप का विंडोज आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ से देख लो, इस टाइप से आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे इस टाइप का विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा। एक कंपनी क्रिएशन का विंडो है, आप अगर जब भी कोई न्यू कंपनी बनाओगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आएगा। कभी कभी आप एस्केप की से बैक जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे बैक ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया राम प्राइवेट लिमिटेड, तो ओपन करोगे तो देखोगे कि इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस है ये गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, क्योंकि ये पहले से कोई कंपनी बनाया हुआ है, ये ओपन है इसलिए ये इंटरफेस आ रहा है। अगर ये कंपनी नहीं बना हुआ रहता तो आपको कंपनी इन्फो का विंडो बाय डिफॉल्ट आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता। चलो हम क्या करते हैं, हमको एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे,
अल्टर प्लस एफ थ्री अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अल्टर प्लस एफ थ्री किया तो एक कंपनी क्रिएशन का एक विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया। आप एरो की से क्रिएट अ कंपनी को सेलेक्ट करोगे ऐसे। देखो मैंने टॉप एरो की का यूज किया है और मैंने क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट कर लिया और इंटर की प्रेस कर दिया। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करोगे तो ये कंपनी क्रिएशन का कंप्लीट विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ऊपर में जो तुम देख रहे हो कंपनी डाटा पाथ, ये पाथ को स्पेसिफाई कर रहा है कि आप जो कंपनी बना रहे हो ये तुम्हारा कहाँ बन रहा है। देखो यहाँ पे बता रहा है सी ड्राइव के इनसाइड जाओगे, यूजर्स, पब्लिक, टैली, प्राइम और डाटा। आप डाटा के इनसाइड जब जाओगे तो वहां पे देखोगे जिस नाम से तुम कंपनी बनाओगे वो नाम तुमको वहां पे मिल जाएगा। आप जब भी कभी उस कंपनी में डेटा का बैकअप वगैरह लेना हो तो आप वहां ही, वो आप लोकेशन वहां से सर्च करके आप वहां से डेटा ले सकते हो। चलो मैं एक कंपनी का नाम दे दिया, राम प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी। राम प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी है जो मैंने नाम दे दिया। देखो यहाँ पे मेलिंग नेम पूछ रहा है, आपका मेलिंग नेम क्या होगा। जैसे आपने कोई कंपनी बनाया तो कंपनी का तो नाम हो गया, अब एक कंपनी का कोई मेलिंग नेम होगा जिसके थ्रू तुमको मेल वगैरह आए, कहाँ पे क्या नाम है, तो आप इसको तुमको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेलिंग नेम क्या होगा। चलो मैंने यहाँ पे मेलिंग नेम को सेम रहने दिया है, अगर तुम इसको अलग चेंज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। उसके नीचे जब तुम आओगे देखो एरो की से आप नीचे आते जाओगे, ये देखो कीबोर्ड में फोर एरो की दिया हुआ है। आप टॉप, अगर टॉप में जाना है तो टॉप एरो की का यूज करोगे, बॉटम में आना है तो बॉटम एरो की का यूज करोगे, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट एरो की का यूज करोगे, राइट साइड जाना है तो राइट साइड एरो की का यूज करोगे। यहाँ पे देखो कॉर्नर पे एक एस्केप की का बटन है, उससे तुम स्टेप पीछे जाओगे। अगर हमको एक स्टेप पीछे जाना है तो फर्स्ट एस्केप प्रेस करेंगे, अगर फिर से एक स्टेप और पीछे जाना है तो हम लोग फिर से बैक स्पेस से तुम डिलीट करोगे। अगर कोई कंटेंट को डिलीट करना है तो तुम बैक स्पेस से तुम उसको डिलीट कर सकते हो। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस में मैंने पटना एंटर कर दिया, या फिर आप कंप्लीट एड्रेस बता सकते हो कि ये कंपनी कहाँ पे है। मैंने इस कंपनी का वो सिंपल बता दिया पटना, आप इसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देखो यहाँ पे डबल इनपुट बॉक्स आपसे पूछ रहा है, डैट मीन्स आप इसका कंप्लीट एड्रेस एंटर करोगे। उसके बाद ये पूछेगा कि ये कंपनी जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो आप स्टेट का नाम स्पेसिफाई करोगे। आप कीबोर्ड से उस स्टेट का फर्स्ट लेटर प्रेस करोगे तो स्टेट का नेम लिस्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो मैंने बी प्रेस किया तो बिहार आ गया और मैंने इंटर कर दिया। कंट्री तुम्हारा इंडिया है, इसका पिन कोड 8,01 एंटर कर दे रहे हैं क्योंकि ये पटना का कोड है, पिन कोड 8 लाख से ही स्टार्ट होता है पटना का, तो मैंने इसको 8 लाख से स्टार्ट कर दिया और मैंने 1 कर दिया। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपसे पूछ रहा है, टेलीफोन नंबर में आप पहले आप उसका कोड डालोगे जो जिस, जैसे मैंने पटना का लिया तो पटना का 0612 होता है, 0612 मैंने एक, ये तुम्हारा कोड हो गया। और उसके बाद से 6 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने कोई भी 6 डिजिट का कोई नंबर ले लिया, ये आपका टेलीफोन नंबर हो गया। इसके बाद आप अपना कोई मोबाइल नंबर दे दो 10 डिजिट्स का, मैंने कोई मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का दे दिया। अगर कुछ फैक्स वगैरह है या ईमेल है तो आप ईमेल दे सकते हो, मैंने एक ईमेल दे दिया xyz@gmail.com, gmail.com। इंटर की प्रेस किया, अगर कोई आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हो, नहीं है तो आप इंटर की प्रेस करके देखोगे बढ़ते जाओगे। देखो यहाँ पे बेस ऑफ करेंसी सिंबल पूछ रहा है, तो देखो इंडिया का जो करेंसी है वो रुपीज में होता है और उसका फॉर्मल नेम जो होता है INR होता है। इसके नेक्स्ट का स्टेप्स में आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है और वो कब क्लोज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इसका स्टार्टिंग ईयर
बताओगे? देखो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का जो डेट दोगे वो स्टार्टिंग का भी सेम डेट रहेगा और एंडिंग का भी सेम डेट रहेगा। चलो मैंने 1 अप्रैल 2023 लिया, ये स्टार्टिंग हो गया और एंड भी इतना ही पे रहेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे या फिर यहाँ पे कीबोर्ड से वाई बटन को प्रेस करेंगे। चलो मैंने कंट्रोल ए किया, चलो क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनदर कंपनी इन द सेम नेम इज ओपन। सेम नेम से कंपनी कोई ओपन है तो आप क्या करोगे, इंटर की प्रेस करोगे और यहाँ पे मोहन कर लो, मोहन डॉट प्राइवेट डॉट लिमिटेड LTD। चलो अब आप क्या करोगे, कंट्रोल ए कर लोगे। देखो ये सेकेंड विंडो आपके डेस्कटॉप पर स्क्रीन पे आएगा। अब इसमें कुछ नहीं आपको करना है, अभी देखो अकाउंटिंग पूछ रहा है तो अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स है, इनेबल बिल वाइज एंट्री। हाँ तो अकाउंट्स का काम हो रहा है तो हमको तो इस ऑप्शन को यस रखना ही पड़ेगा, और बिल तो जनरेट करता ही है, होगा करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना बिल जनरेट किए हुए कैसे हमको आउटपुट मिलेगा। चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, यस यस रखते हैं। अभी इन्वेंट्री का अगर काम है तो यस रखोगे, नहीं काम है तो नो। चलो हम ये ऑप्शन को यस ही रखते हैं, ये दोनों ऑप्शन को यस रखेंगे। अगर आप इसमें जीएसटी का कोई काम करना है तो उसको यस रखोगे, नहीं काम करना है अभी तो इसको नो रखोगे। अभी जीएसटी का कोई काम नहीं है तो इसको नो रखोगे और उसके बाद हम फिर से इसको कंट्रोल ए कर लिया। दो विंडो मेरा काम हो गया। अब मेरा एक कंपनी यहाँ पे देखो डेस्कटॉप स्क्रीन पे बनकर रेडी हो गया, मोहन प्राइवेट लिमिटेड। देखो इस साइड तुम्हारा गेटवे ऑफ टैली का विंडो है और लेफ्ट साइड देखोगे कि एक मोहन यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी पूछ रहा है और डेट ऑफ लास्ट एंट्री पूछ रहा है। तो डेट ऑफ लास्ट एंट्री में अभी कोई एंट्री नहीं हुआ है, लिख रहा है नो वाउचर एंटर, मतलब अभी कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं हुआ है इसलिए नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। देखो उसके ऊपर तुम जाओगे तो देखो लिखा हुआ है करंट पीरियड और करंट डेट। करंट पीरियड जो है वो फाइनेंशियल ईयर को शो करता है, जब आप कंपनी बनाते हो ना तो उस समय आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछता है, उस समय का जो डेट हम लोग देते हैं वो करंट पीरियड कहलाता है। और उस पीरियड में किस डेट में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट डेट का यूज करते हैं। वो आगे का प्रोसेस है जब हम वाउचर पढ़ाएंगे, और वाउचर में जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाएंगे तो फिर हम उस डेट को चेंज करना आपको बताएंगे कैसे हम लोग डेट चेंज करेंगे। अब आपने तो देखा कि कंपनी क्रिएशन तो आपका हो गया, अब मे बी कंपनी में कुछ अल्टरेशन करना हो या कंपनी डिलीट करना हो या फिर कंपनी को सेट करना हो तो ये सारे प्रोसेस को भी हम लोग करके देखते हैं। चलो हम इसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से अल्टर प्लस F3 प्रेस करना होगा क्योंकि आप गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे हो। और अगर आपको कंपनी में काम करना है, जैसे कंपनी में अल्टरेशन करना हो गया, कंपनी में डिलीट करना हो गया, कंपनी को सेट करना हो गया, अल्टरेशन का मतलब होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना, चेंजेज वगैरह करना, तो ये सारे काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्टर ऑप्शन पे जाएंगे। और वहां से देखो यहाँ पे आपका जो कंपनी इन्फो का जो विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो ये टैली प्राइम का विंडो है। अगर टैली ERP 9 पे काम करोगे तो कुछ और अलग सा इंटरफेस दिखेगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट तुमको अल्टर का ऑप्शन रहेगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब बहुत सारा मेनू बना, ऊपर में देखो एक लिखा हुआ है कि और कंपनी, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको कीबोर्ड से कर सकते हो, आपके प्रेस करोगे तो कंपनी जो है, चलो मैं यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे के प्रेस करोगे। और सबसे पहले यहाँ पे अभी हिडन दिख रहा है, अल्टर का ऑप्शन क्या दिख रहा है, हिडन दिख रहा है तो आप पहले एरो की से सेलेक्ट कर लोगे उस कंपनी को,
जैसे हमको मोहन प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट करना है और इसमें कुछ चेंजेस करना है। तो मैंने एंटर की प्रेस किया, अब तुम्हारा मोहन एक्टिव हो गया। अब तुम इस पे क्लिक करोगे तो देखो अल्टर का ऑप्शन एक्टिव हो गया, आप एरो की से आओगे और अल्टरेशन कर लोगे, इंटर करोगे। अब मोहन प्राइवेट को हम देखो इंटरप्राइजेज में हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम मोहन इंटरप्राइजेज कर दे रहे हैं, इसको आप डिलीट कर दो। मैंने देखो यहाँ पे मोहन इंटरप्राइजेज इंटरप्राइजेज मोहन इंटरप्राइजेज और इसको मैंने चेंज कर दिया और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, ये तुम्हारा चेंज हो गया। देखो यहाँ पे मोहन इंटरप्राइजेज में फिर से कंपनी चेंज हो गया। तो हम लोग कंपनी को अगर हम इस टाइप से अल्टरेशन करना हो तो अल्टर में जाकर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलो अल्टरेशन करना तो आपने सीख लिया, अब हम देखते हैं कंपनी को सेट कैसे करेंगे। तो सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को आप सेलेक्ट करोगे पहले। जैसे मैं यहाँ पे दो कंपनी ओपन है, हम राम प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके इंटर की कर लेंगे। यहाँ से आपको सेट नहीं होगा, आप बैक जाओगे, इसके लिए तुमको फिर से बैक जाना होगा और अल्टर प्लस F3 प्रेस करना होगा। और यहाँ पे तुम क्या करोगे, कंपनी को सेट करोगे, आप कंपनी पे क्लिक करोगे और देखो यहाँ पे ऑप्शन तुमको सेट का मिल जाएगा, या अल्टर कंट्रोल प्लस F3 भी प्रेस करोगे तो वहां से भी वो ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। चलो मैं एंटर की प्रेस किया और राम प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ से मैंने सेट कर दिया। पूछ रहा है कि सेट करना है, यस। देखो यहाँ से जो है वो लिस्ट से कंपनी सेट हो गया, सेट करने का मतलब है वो डिलीट नहीं हुआ है, अगर तुम उसको फिर से तुम ओपन करना है तो कर सकते हो। सेट का मतलब यहाँ लिस्ट से वो बंद हो गया है, अगर 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 आपको फिर से उसको ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो। चलो मैंने तो सेट करना भी सिखा दिया और कंपनी में अल्टरेशन भी सिखा दिया, अब हम क्या करते हैं कंपनी डिलीट करना सिखा रहे हैं। चलो इसके लिए भी तुम क्या करोगे, अभी तुम गेटवे ऑफ टैली विंडो पे हो, अल्टर प्लस F3 प्रेस करके तुम क्या करोगे कंपनी इन्फो वाले विंडो पे आ जाओगे। और यहाँ से तुम क्या करोगे, जिस कंपनी को तुमको डिलीट करना है उसको आप डिलीट कर दो। जैसे मोहन एक राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट करने के लिए आप यहीं पे आओगे और सेलेक्ट करोगे इसको, अल्टर प्लस F3 किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। देखो आप राम प्राइवेट लिमिटेड को आप ऐसे इंटर की से सेलेक्ट कर लोगे और अल्टर में जाओगे, कहाँ जाओगे अल्टर में जाकर जाने के बाद आप इसको अल्टर ऑप्शन आपका अभी हिडन है, तो अल्टर ऑप्शन हिडन है दैट मीन्स आप कोई कंपनी को पहले सेलेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे राम को सेलेक्ट कर लिया, राम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंटर की प्रेस कर दिया। अब देखो ये आ गया, अब राम को हमको डिलीट करना है तो कंपनी अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ गए और हम अल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा वो कंपनी सेट है इसलिए वो नहीं हो रहा है, चलो इस कंपनी को सेलेक्ट कर लिया मोहन इंटरप्राइजेस को, ये कंपनी तुम्हारा ओपन है, अल्ट प्लस F3 प्रेस करोगे या फिर यहाँ पे आओगे और यहाँ पे अल्टर कर दो और यहाँ पे इंटर कर दो और अल्ट प्लस D प्रेस करोगे। देखो अल्ट प्लस D प्रेस किया तो पूछ रहा है डिलीट का, यस। आर यू श्योर, यस। देखो ये कंपनी डिलीट हो गया, राम प्राइवेट लिमिटेड तुम्हारा बच। तो आपने कंपनी से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस था वो आज के क्लास में आपने देखा प्रैक्टिकली, आप इसको प्रैक्टिकली यूटिलाइजेशन आप अपने लैब में जाकर करोगे। अगर जिसके पास लैपटॉप है वो अपना लैपटॉप पे करेगा, जिसके पास घर पे डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप पे ट्राई करके देखेगा। और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो ट्रांजेक्शन्स का लेजर बनाना सिखाएंगे और ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करना सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।